वनवास के दौरान राम सीता इस जगह से गुजरे थे। बेहद खूबसूरत हैं यहाँ के नजारे। अगर आप घूमने के शौकीन हैं और अलग अलग जगहों की सैर करना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं उन जगहों के बारे में जहाँ राम सीता ने 14 साल के वनवास के दौरान वक्त बिताया था। रायपुर के नजदीक बसी ये जगह एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इस जगह की सैर करने आप प्रकृति के दीवाने हो जाएंगे। इसके साथ ही इस जगह के बारे में पौराणिक मान्यताएं भी फेमस है। तो आइए जानते हैं इस जगह के बारे में विस्तार से। दंडकारण्य। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बसी ये जगह एक जंगल है जो करीब 92,000 एकड़ के एरिया में फैली हुई है। ये जंगल इतना बड़ा है कि ये तीन राज्यों छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक फैला हुआ है। इस जंगल को लेकर मान्यता है कि इसी जगह पर राम और सीता ने वनवास काटा था। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो यह जगह आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं होगी। इस जंगल में देखने के लिए बहुत सी खूबसूरत जगहें हैं घूमने के लिए। तो चलिए जाने उन जगहों के बारे में। बस्तर। बस्तर एक आदिवासी क्षेत्र होने के साथ साथ बेहद धर्म कर्म की जगह है। अगर आप रामायण के समय को अनुभव करना चाहते हैं तो एक बार यहाँ जरूर आएं। दंडकारण्य में आपको जंगल, पहाड़, नदी, झरने, प्राचीन मंदिर, जंगली जीव जंतु और प्रकृति के अद्भुत नजारे देखेंगे। जगदलपुर। जगदलपुर जिले के बीच बने इस जंगल में एक बस्तर का किला है जो अपनी वास्तुकला की वजह से लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। इसके साथ ही यहाँ भारत का सबसे चौड़ा झरना है चित्रकूट, जो घोड़े के पैर के आकार का है। इसके अलावा तीर्थ गढ़ वॉटरफॉल्स के पास ही शिव पार्वती का प्राचीन मंदिर भी है। हालांकि यह जगह अभी भी लोगों के नजरों से दूर है क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों का खतरा बहुत ज्यादा है। इसलिए खूबसूरत वादी होने के भी बावजूद लोग यहां कम जाते हैं।